हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझा था इंडेक्स फंड को, इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। ठीक है, इसमें हम समझते हैं किस तरीके का फॉर्म मतलब चीजें होती हैं, क्या चीजें होती है, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका एक्चुअली रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले आप मतलब मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले अगर ETF की मीनिंग समझते हैं, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रीडोमिनेंटली एक्टिव इन इंट्राडे स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी प्रॉफिट बाय डेज एंड दे प्रोवाइड हाई ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स प्रिसाइज इनसाइट इनटू देयर इन्वेस्टमेंट अलोकेशन। सिमिलर टू इंडेक्स फंड, ETFs आर सब्जेक्ट टू स्टॉक मार्केट डायनामिक्स विद ट्रांजेक्शन अकरिंग रियल टाइम। वेरियस ETF इंक्लूड इंडस्ट्री बॉन्ड्स करेंसी कमोडिटी इनवर्स ETF अमंग अदर्स। अब इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक इंडेक्स फंड की तरह ही बिहेव करता है, या मार्केट को या उस पर्टिकुलर मार्केट को नहीं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है या प्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके के रिटर्न यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। बहुत सिंपल सा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ETF इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट ट्रैक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, जैसे कि कोई भी हो, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, जिनके ETF होते हैं, जैसे कि एक इंडेक्स फंड करता है। हाउएवर अनलाइक इंडेक्स फंड ETF, यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी कि ETF ट्रेड लाइक स्टॉक्स, जैसे कि आप उसको डेली बेसिस पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे निफ्टी 20 हो गया, सेंसेक्स 20 हो गया, 20 मतलब BEES। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे अपने डीमैट में इस तरीके से तो आपको एक फंड दिखेगा, इसको ETF बोलेंगे। इसी तरीके से निफ्टी 20 भी है और आपका है सेंसेक्स 20, तो ये दो फंड है जिनको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ETF है डेली मार्केट पर, जिस तरीके से हम शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, 101 पे लेके 102 पे बेच दिया, 110 पे बेच दिया, जहां पर बेचा 99 पे बेचा, उस तरीके से इसमें बाय सेल किया जा सकता है, इंट्राडे बेस्ड इंडेक्स फंड में नहीं किया जा सकता। अब यहां पर थोड़ी सी प्राइसिंग और ट्रेडिंग की बात करते हैं। ETF इज इन इंडिया आर ट्रेडेड थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे, जिस तरीके से हमने भी बात की, जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल स्टॉक को करते हैं। प्राइसेस में फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, इसके प्राइसेस भी डिमांड और सप्लाई बाइंग और सेलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए ज्यादा बायर आ गए तो प्राइस बढ़ जाएगा, कम हुए तो प्राइस घट जाएगा, तो डिमांड और सप्लाई पर ये चलता है। ओके, अब मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें तो ETF भी पैसिवली मैनेज होते हैं जिस तरीके से इंडेक्स फंड होते हैं, और एक्टिवली मैनेज होते हैं वेयर फंड मैनेजर्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसिव इंडियन ETF एम टू क्लोजली ट्रैक एन इंडेक्स, सीधी सी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा इंडेक्स फंड में जो बताया वही वाली चीज़ें पैसिवली मैनेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता। आपने इन्वेस्ट कर दिया, जब स्टॉक वहाँ से निकलेंगे तो इस तरीके से चीज़ें होंगी और कुछ नहीं होगा, और एक्सपेंस रेशियो भी उसी तरीके से कम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती, चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। तो यही एक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सिंपल सा मीनिंग है। ये किसी स्टॉक किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप इंडेक्स को नहीं खरीद सकते तो आप क्या करते हो, उसके ETF को खरीद सकते हो या उसके इंडेक्स फंड को खरीद सकते हो, अगर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता नहीं है। ETF और इंडेक्स फंड में बहुत सा माइनर सा डिफरेंस है कि वो ट्रेड किए नहीं जा सकते और इनको आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, वो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही सिंपल सा। ये उतना ही रिटर्न देगा जितना कि एक इंडेक्स रिटर्न देगा। मान लीजिए निफ्टी 24,200 से 24,400 चला, ठीक है, मान लीजिए ये चला 0.89%, अज्यूम करते हैं, कैलकुलेशन की बात नहीं करते, तो निफ्टी 20 भी क्या करेगा, 0.88% चलेगा या 1.0% चलेगा। 1.0% क्यों चल सकता है या कम क्यों चल सकता है, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड कम है तो वो इंडेक्स भले ऊपर चलेगा या इंट्राडे में कम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा ये कम रहेगा और ये ऊपर चलेगा, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो ये था प्रॉपर ETF, और बस इसमें तो हमने ETF ही पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ETF वर्सेस इंडेक्स फंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।